से केवल एक ही आवाज आ रहल बा, यदि एदा बारी तनको हमनी से चूक भइल ना तब ही तो देखो तनी हवाई अड्डा बिकाइल हो, प्लेटफार्म बिकाइल हो, लेकिन अब ही का बिकाई एकर कोनो अंदाजा नहीं हो। इसीलिए हम सबके एकता बना करके जिस जंग में हम लोग उतरे हैं, माननीय हमारे नेता जी अखिलेश यादव जी को सीएम बनाना है, यही से सबके दिल से कही आवाज आ रहल बा, वो आवाज कैसन बा आप लोगों के बीच में हम गीत के माध्यम से भेज रहल बानी। कैसे यूपी नौकरी मिली, लेकिन बारे हमारे माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता जी का जब राज था, वो राज में का होत रहल कहना है, गौर करी हम कहना है, रोह डब्बा नवबले सारा अपने पर देश में, कितना दिन तक स्कूल कॉलेज बंद रहल और यहाँ तक कि लइकन के ऑनलाइन पढ़ावल जात रहल, लेकिन जरा आप गौर करेंगे जेकरे पास बजट बा, जेकरे पास पैसा हो, वो तो स्मार्टफोन खरीद करके पढ़ाई कर सकेला, लेकिन जे गरीब परिवार के बाद जेके शाम सवेरे खाना भी टाइम से ना नसीब होत बा, आखिर वो लोग अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दिलाएंगे। इसीलिए जरा गौर करेंगे यदि अब की बार हम एकता बना करके और इस जंग को नहीं
खींचेंगे तो आगे बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं बाबू। किसी ने कहना है गौर करिहन बारे माननीय हमारे नेताजी का वह राम राज्य, कहना है नौकरी मिला तारा हल अखिलेश के राज में, बिरहा के कलाकार बा हमनी लोगों का गति का हो पाए राज में। मुहर चान लागत रहल बिरहा के साज में, मानी जे कलाकार बा जे गांव वाला बा ओकरी है रोजी रोटी हो, लेकिन बारे मोदी जी लॉकडाउन लगा के तो ऐसा हालत कर देलन कि का करल जाए। माननीय अखिलेश यादव जी के राज में ऐसा कबो भइले ना रहल, हमेशा कलाकारों का सम्मान करते थे, लेकिन ये बिरहा गावल पता ना कितना दिन के बंद हो गई बाई, कलाकार खुदे समझ ना पावत हो। किसी ने याद रहे नौकरी मिलत रहे अखिलेश के राज में, मुरचा न लागत रहल बिरहा के साज में, निरहू या घुरहू मिल के केतनो चिल्लाते रही है। इस बार हमें जरा सा भी मौका नहीं देना है। निरहू या घुरहू मिल के केतनो चिल्लाते रही है, अब बाईस में अब की बाहरी तो 220 रुपया लीटर हो चुकल बा। बार यह सरकार ए सरकार में मोदी जी कहत रहलन कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कि कौन अच्छा दिन हमनी के जिये तानी जा हमनी के पता हो बाबू। किसी ने गौर करेंगे कहना है क्या नहीं खे